आज का हमारा लौकी चना दाल रेसिपी है। इसके इसे बनाने के लिए हमें चाहिए कुकर, चना दाल, मैंने इसे ओवरनाइट भिगा के रख दिया है, ये 200 ग्राम है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और इसे पकाने से 2 घंटे पहले भी इसे भिगा के रख सकते हैं। ओवरनाइट भिगा देने से ये होता है कि आप इसके अंदर लौकी और चना दाल दोनों ही साथ में ऐड कर सकते हैं, और 2 सीटी ले लेंगे तो दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से गल जाएंगे, नहीं तो चना दाल हमारा लेट से गलता है। अब हम लेंगे प्याज एक मीडियम साइज़ का और एक टमाटर मीडियम साइज़ का, दोनों को काट कर कुकर में ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे, 2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 स्वादानुसार नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 करछुल तेल, मैंने सरसों का तेल यूज़ किया, आपके घर में जो अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। आधा किलो लौकी जिसे मैंने छील कर धोकर बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया, 1/2 किलो यानी 500 ग्राम आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को करेंगे मिक्स। अब इसके अंदर ऐड करेंगे पानी, तकरीबन मैंने 1/2 ग्लास ऐड किया, क्योंकि हमारा लौकी जो है उसमें भी पानी छोड़ेगा, इसलिए आप पानी कम डालें। अब इन सबको करेंगे मिक्स और इनको 2 सीटी ले लेंगे हाई फ्लेम पे। चलिए ढक्कन लगा के ले लेते हैं 2 सीटी। तो आप देख सकते हैं हमारा प्रेशर ठंडा हो चुका है, अब हम इसे खोल लेंगे। ये देखें इसका टेक्सचर कितना बढ़िया आया, आप देख सकते हैं हमारा लौकी ने पानी छोड़ दिया। आप देख सकते हैं हमारा दाल गल चुका है, हम इतना ही गलाएंगे, ज़्यादा नहीं गलाएंगे, वरना ये अच्छी तरीके से घुल जाएगा, और हमें ये दानेदार रखना है। आप देख सकते हैं मैं लौकी भी कट करके दिखा देती हूँ कितने अच्छी तरीके से गल चुका है, 2 सीटी में ही काफ़ी है। अब मैं एक कढ़ाई लूँगी और उसमें पलट लूँगी। और गैस को ऑन कर दिया हाई फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे इसे 5 मिनट तक भून लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा 5 मिनट हो चुका है, पानी खुश्क हो चुका है, इसे 2-3 मिनट और भून लेंगे। चलाते हुए इसे भून लेंगे, नहीं तो ये हमारा नीचे से जल सकता है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी यानी वाटर, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितना ज़रूरत हो।
मैं इसे गाढ़ा ही रखूँगी, तो मैं इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करूँगी, तकरीबन हाफ ग्लास है। अब इसे करेंगे मिक्स। तो आप देख सकते हैं कि कितना गाढ़ा गाढ़ा है। अच्छे से इसे मिक्स करके आप इस स्टेज पे चेक कर सकते हैं। नमक मिर्च आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से बॉईल आ चुका है। अब मैं इसमें हरा धनिया पत्ता ऐड कर दूँगी और इसे कर दूँगी मिक्स। और इसे ढक के तकरीबन 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख देंगे ताकि ये हमारा ऑयल छोड़ दे। चलिए 5 मिनट हो चुका है, अब हम इसे खोल लेते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं डिश आउट करके। तो ये देखें, वाओ कितना बढ़िया लुक आया, एकदम अच्छा तैयार होके। आप देख सकते हैं ना ज़्यादा गला है ना ज़्यादा कच्चा है, बिल्कुल नॉर्मल साइज़ का हमने रखा है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये बिल्कुल फ्री है।